अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं जल्द अज जल्द, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी पड़ेगी और जल्द अज जल्द ये रिक्वायरमेंट्स मोनिटाइजेशन के लिए ये आप किस तरह जल्दी से जल्दी पूरी कर सकेंगे, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। ये वीडियो एक किस्म की न्यू यूट्यूबर्स के लिए गिफ्ट भी है। मैं अपना मेथड जो खुद जिस तरह मैंने ग्रो किया वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो मेथड फॉलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ओवरऑल भी बताऊंगा कि आप अपनी कैटेगरी, जो इस वक्त आपकी कैटेगरी है जिसमें वीडियो बना रहे हैं, उस कैटेगरी में भी किस तरह रैंक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक आपकी वीडियो यूट्यूब खुद वायरल नहीं करेगा, खुद रैंक नहीं करेगा, उस वक्त तक आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, और जब तक व्यूज नहीं आएंगे उस वक्त तक आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर भी करें अगर आप चाहें तो। तो चलते हैं वीडियो की जानी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया कि अगर आपका चैनल यूट्यूब खुद रैंक ना करे तो आप कभी भी अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जल्दी पूरा नहीं कर सकते। पूरा आप कर लेंगे लेकिन जल्दी पूरा नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी मैं बता देता हूँ। आपको करना ये है कि आप अगर जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो ऐसा टॉपिक चुनिए जो कि ट्रेंडिंग में हो, ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड। बिल्कुल तो आप कॉपीराइट आ जाएगा, उस पर काम ना करें, लेकिन उसके रिलेटेड आप काम करके अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। मैं अब पहले आपको अपना मेथड बता देता हूं कि मैंने खुद किस तरह ग्रो किया। इसी जब आप मेरा मेथड सीखेंगे तो फिर जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उस कैटेगरी में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि आप अपनी कैटेगरी में भी उसके बाद बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और अपना चैनल मोनिटाइज करवा लेंगे। मैंने इस तरह अपना चैनल मोनिटाइज करवाया और ग्रो किया कि एहसास प्रोग्राम जो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में है और हर वक्त ही तकरीबन ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें मुफ्त पैसे देती है, फ्री फंड देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को जो पैसे मिलते हैं फ्री मिलते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं उन्हें होती और वो पैसे मिलते हैं। तो ये हर वक्त ही तकरीबन ट्रेंडिंग में रहता है। अगर आप एहसास प्रोग्राम पे वीडियोस बनाएं तो भी अपना चैनल आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। वो किस तरह मैं भी आपको बता देता हूँ। एहसास प्रोग्राम में वीडियोस के लिए ज़रूरी है कि आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एहसास प्रोग्राम के रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं जो मेरा मेथड है, तो इस मेथड को आप फॉलो करें, आपका चैनल इंशाल्लाह जल्द से जल्द, तकरीबन एक महीना भी नहीं लगेगा, आपका चैनल सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगा और मोनिटाइज भी हो जाएगा जिस तरह मेरा मोनिटाइज हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। थंबनेल कैसे बना सकते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि न्यूज़ वाले टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लें गूगल से, उन टेम्पलेट पे आप लिख के जो भी लिखना चाहते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा के वो थंबनेल बनाएं और अपना वो थंबनेल बना के वीडियो पे लगा दें। उसके अलावा आपकी जो वीडियो एडिटिंग है वो भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, न्यूज़ की तरह दिखनी चाहिए, ताकि जो देखने वाला है उसे ऐसा लगे कि ये न्यूज़ का चैनल है, या न्यूज़ की तरह आपकी वीडियो जो है वो दिखनी चाहिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या इस तरह का पट्टी चला दें। उसके अलावा एहसास के 2-3 कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ करें। एहसास प्रोग्राम 12000 न्यू अपडेट इस तरह का एक कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो अगर आप टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं तो आपकी जो वीडियो है वो जल्दी सर्च में आनी शुरू हो जाएगी और यूट्यूब खुद उसको सजेस्ट करेगा और लोगों को, और आपका जो वॉच टाइम है, व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, हर चीज़ बढ़ेगी और बहुत जल्दी बढ़ेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। ये मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका। इसके अलावा अगर आप अपनी कैटेगरी में चैनल रैंक करना चाहते हैं, उसका तरीका यह है कि आप पहले कीवर्ड रिसर्च करें, अपने थंबनेल को इम्प्रूव करें, थंबनेल को इम्प्रूव करने के साथ वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करें। आप अपनी वीडियो में ऐसी चीज़ बताएं जिस पे आप वीडियो बना रहे हैं, डायरेक्टली उसी पे, उस टॉपिक पे आएं। अगर आप ज़्यादा बात को लंबा करेंगे स्टार्टिंग में ही तो आपकी वीडियो लोग छोड़ देंगे, ऑडियंस रिटेंशन कम होने की वजह से लोग और लोगों को सजेस्ट नहीं करेगी यूट्यूब, अगर और लोगों को नहीं सजेस्ट करेगी, इंप्रेशन कम आएंगे तो आपके चैनल पे व्यूज़ भी कम आएंगे, जब व्यूज़ कम आएंगे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम सब कुछ डाउन चला जाएगा और चैनल कभी भी मोनिटाइज नहीं हो सकेगा और बहुत कम वॉच टाइम आएगा। तो ये अगर मेथड आप अप्लाई करते हैं अपने चैनल में तो आपका चैनल भी रैंक करेगा, जल्दी ग्रो करेगा और ये मोनिटाइजेशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद इंशाल्लाह जल्दी मोनिटाइज भी हो जाएगा।
तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।